आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। ओ आप, खुशी की तो बात ही है रूपा जी, जितना रुपए और सोना चांदी मुझे चाहिए था आज वो सब मैंने कमा लिया। सोचता हूँ कि कल अपने गांव लौट जाऊँ। कल? कल तो तुम नहीं जा सकते। क्यों? कल कुछ खास बात है क्या? ज्यादा खास बात तो है नहीं, बस एक छोटी सी खबर है। कल कल भैया मेरी सगाई तय करना चाहते हैं। आपकी सगाई होने वाली है और आप इसे छोटी सी बात कहती हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि वो भाग्यवान है कौन जिसकी झोली में आप जैसा मोती गिरने वाला है। लो, इतना बड़ा राज और इतना आसानी से बता दे, पूछने की कोशिश कीजिए। पूछते हैं पूछते हैं। हाँ, शेरगढ़ के ठाकुर का लड़का दीवान सिंह। अरे वही जो मंगलवार की शाम को देखने आया था। अरे वही, क्या खूबसूरत सी नीली नीली झील जैसी आंखें थी उसकी। झील जैसी नीली नीली आंखों में मुझे डूबना थोड़ी ना था। रिजेक्ट? फिर तो रतनपुर के ठाकुर होंगे, क्या लंबे चौड़े और ये घनी घनी मूछें थी उनकी। मूछ और पूछ वाले मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रिजेक्ट? फिर कौन हो सकता है? हाँ, दीवान राय का इकलौता बेटा रूप सिंह। रूपा और रूप सिंह, वाह क्या जोड़ी है। इसके आगे तो और किसी रिश्ते का होना सवाल ही पैदा नहीं होता। जी नहीं, रिजेक्ट। नाम रूप सिंह था इसलिए। कमाल करती हैं अभी रूपा जी। अरे तीन ही तो थे जो आए थे, चौथा तो कोई था ही नहीं। चौथा है और चौथा ही है, जानते हो कौन? बसंतपुर का बिरजू। आप तो अच्छे खासे मजाक के मूड में लगती हैं। सच सच बताइए ना, कौन है वो? वो तुम्ही हो बिरजू। सुहाग और सिंदूर के बारे में मैं कभी मजाक नहीं करती। लेकिन लेकिन रूपा जी, ये सब तो कहां से शुरुआत हुई मुझे भी नहीं मालूम। दिन ब दिन मेरा दिल मजबूर होने लगा, तुम्हारे बारे में सोचने लगी मैं, राह देखने लगी तुम्हारी। फिर एक दिन अपने बारे में पूछा, तुम्हारा बोला हुआ हर लफ्ज अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। रूप ऐसा कि स्वर्ग की अप्सरा भी पानी भरे, तुम संस्कार ऐसे जैसे कि कोई देवी। भाग्यशाली होगा वो जिसकी झोली में तुम जैसा मोती गिरेगा। लेकिन मैं कहती हूँ भाग्यशाली मैं हूँ जिसको तुम जैसा सीधा और सच्चा इंसान मिला। ये सब आप क्या कह रही हैं रूपा जी, ये नहीं हो सकता। मेरी सगाई और आपके साथ ये रिश्ता नामुमकिन है रूपा जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नामुमकिन? क्यों? मैं आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहता रूपा जी, मगर सच्चाई ये है कि मेरा प्यार किसी और की अमानत है। मैं अपने ही गांव की एक लड़की राधा से प्यार करता हूँ। आपको नहीं मालूम, शर्त की एक दीवार ने हम दोनों को एक साल के लिए जुदा कर दिया था। ये रुपया, ये सोना, ये चांदी कमाकर आज मैंने वो शर्त की दीवार गिरा दी है। मुझे उसके पास वापस लौटना है रूपा जी। मेरा सब कुछ वहां है, मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी जिंदगी, सब कुछ वहां है। या कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा प्यार, जिंदगी, घर, संसार, सब कुछ वहां है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने तो यूं ही तुम्हें अपने मन का ठाकुर मान लिया, यूं ही तुम्हें अपने सपनों का सहरा पहना दिया, यूं ही हमारी हर सांस, हर पल तुम्हारा नाम पुकारती रही। आज ये सुनने के लिए क्या कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है तुम्हारे। नहीं रूपा जी नहीं, ऐसा मत कहिए, आप तो बहुत कुछ है मेरे लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आप लोगों की वजह से ही तो हूँ। कितनी श्रद्धा है मेरे मन में आपके लिए, ये आप क्या जाने। आप तो एक मंदिर हैं, एक देवी समान है जिस पर सारी उम्र मैं अपने पूजा के फूल अर्पण कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पूजा के फूल। सुना तुमने? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पूजा के फूल। मैं कोई देवी नहीं हूँ, एक आम औरत जिसे प्यार चाहिए, घर संसार चाहिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आराधना। वो सिंदूर जिसका टीका बनाकर तुम इस देवी के मस्तक पे लगाना चाहते हो, वो सिंदूर मुझे मेरी मांग में चाहिए। सुना तुमने? वो सिंदूर मुझे मेरी मांग में चाहिए। रूपा, रूपा जी। ठाकुर साहब,
रूपा जी को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं इनकी दिलो जान से इज्जत करता हूँ। सगाई और शादी की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। रिजू, इससे पहले कि मेरे हाथ से कोई अनहोनी हो जाए, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। चिराग लेकर भी ढूंढो तो रूपा जैसी लड़की तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। यह तुम्हारा नसीब है कि उसने तुम्हें चाहा, और अगर उसने चाहा कि उसकी शादी तुमसे होगी तो यह शादी होकर रहेगी, चाहे जमीन हिल जाए या आसमान टूट पड़े। कौन इनकार करता है ठाकुर साहब की रूपा लाखों में एक नहीं है। रूपा जैसी लड़की मुझे 7 जन्म में नहीं मिल सकती, ये बात मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं किसी और को प्यार करता हूं, और उसके लिए मुझे आज ही गांव जाना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं ठाकुर साहब कि मुझे इजाजत दीजिए। तू जानता कौन है रूपा? मेरी नाजोपली बहन है, जिसे आज तक मैंने गर्म हवा का झोंका नहीं लगने दिया, और तू समझता है कि तू उसका दिल तोड़ के जा सकता है? नहीं बिरजू, नहीं, तू यहां से नहीं जा सकता। नहीं ठाकुर साहब, मुझे हर हाल में जाना होगा। तू यहां से कलम बढ़ाकर तो देख, उड़ा दूंगा तुझे। आप बेशक मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं आपसे दोबारा विनती करता हूं ठाकुर साहब कि मेरा सामान मुझे लौटा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बिरजू को मार दोगे क्या? इसने रूपा से शादी करने से इनकार किया है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे जाने दीजिए, इसके बहुत एहसान है हम पर, छोड़ दीजिए इसे। मैं छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। राम सिंह, ले जा इसे महल से। आज मैं इसे छोड़ दो मुझे। संभालिए अपने आप को, भगवान के लिए शांत हो जाइए। मुझे जाकर रूपा को भी संभालना है, न जाने उस पर क्या बेहतरी होगी।